हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू मेकअप एंड लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस ब्लीच की रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह के कार्डबोर्ड में इसकी पैकेजिंग होती है। आगे इसमें ये ट्यूब दिया रहता है फ्रेंड्स। तो ये प्रे ब्लीच क्रीम है जिसको आपने ब्लीच से पहले अपने फेस पे यूज़ करना है। पहले क्लींजिंग की हेल्प से फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपने ये क्रीम यूज़ करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इस तरह की एक और ट्यूब मिलेगी जिस पे आपको पोस्ट ब्लीच लिखा रहेगा। पोस्ट ब्लीच को आपने ब्लीच के बाद यूज़ करना है। जब हम अपना ब्लीच पोंछ लेंगे उसके बाद हमने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के दो ट्यूब दिए हुए हैं। ये सैलून पैक है तो इसमें इस तरह के बड़े बड़े ट्यूब आते हैं। अगर आप छोटा साइज लोगे तो आपको इन दोनों क्रीमों की पाउच मिलेगी फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें ये इस तरह की स्पून दी होती है और ये हमारा ब्लीच क्रीम का डब्बा दिया होता है। सो फ्रेंड्स, ये ब्लीच किस तरह से इसको मिलाते हैं, इसमें कितना एक्टिवेटर डालना होता है, आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे पूरा बने रहें कि इसे कैसे यूज करना है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने पार्लर के लिए मंगवाया है तो काफ़ी मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है। लगभग आधा तक मैंने इसको यूज़ कर लिया है तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसमें ये एक्टिवेटर के भी इस तरह के दो डब्बे मुझे रिसीव हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे लोकल मार्केट से ही परचेस किया है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लीच बनाने के लिए आपने ध्यान देना है कि हमें या तो प्लास्टिक की बॉल लेनी है या फिर इस तरह की कांच की बॉल लेनी है। आप कभी भी स्टील के बर्तन में या फिर किसी और भी बर्तन में इसे यूज नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन में आपने ब्लीच को यूज नहीं करना है, तो आप या तो प्लास्टिक या फिर कांच का जो बॉल होता है आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसमें मैंने वन फेस के अकॉर्डिंग क्रीम निकाल लिया है। मैंने सिर्फ फेस पे इसका करना है इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही ब्लीच निकाला है। अगर आपको नेक वगैरह पे करना है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सो सिर्फ एक फेस के लिए और फ्रंट में नेक के लिए इतना अमाउंट काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, स्पून जो इसमें दिया रहता है इसके दोनों साइड, एक साइड बड़ा बना रहता है एक साइड छोटा, तो आपने बड़े साइड से ब्लीच निकालना है और छोटे साइज पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप एक्टिवेटर को थोड़ा सा निकाल लीजिए। एक फेस के लिए फ्रेंड्स इतना बहुत होता है, इससे ज़्यादा आप एक्टिवेटर ना डालें क्योंकि एक्टिवेटर ज़्यादा होने की वजह से हमारी स्किन पे जलन हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्टिवेटर बहुत ही केयरफुल आप यूज़ किया कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ब्रश की हेल्प से ब्लीच को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है ताकि जो हमने एक्टिवेटर डाला है वो इसमें अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आप इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फेस पे अप्लाई करने का मैंने इसमें नहीं बनाया है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब।